मुझे ये मंत्रालय में काम संभालने का उन्होंने मुझे ये मान दिया है। और पिछले 5 साल इस मंत्रालय का पूरा फोकस था कि हमारे देश में जो खाद्यान्न की पेरिशेबल्स की बर्बादी बहुत ज्यादा होती है उसका प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए और साथ ही साथ मार्केट्स भी क्रिएट किए जाएं। और इन सारी चीजों का अल्टीमेट निशाना था कि प्रधानमंत्री जी का जो निशाना है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करना है, तो दुगना तभी होगी जब उनकी फसल की डिमांड प्रोसेसिंग की यूनिट में बढ़ेंगी, रिटेल आउटलेट्स में बढ़ेंगी, तो यही एक निशाना था। तो पिछले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन कोल्ड चेन्स में, मेगा फूड पार्क्स में और काफी सारी नई स्कीमें लगा के हमने ग्राउंडिंग काफी की है। अब अगले 5 साल का जो इसकी कंटिन्यूएशन के साथ मेरा टारगेट है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को मैंने बिल्कुल फोकस में रखना है, स्पेशली रूरल एरियाज में, कि आज किसान के बच्चों को किसानी छोड़ के बाहर कहीं नौकरी ढूंढने की जाने की जरूरत ना हो, उसके जो खेत में उगा रहे हैं उसके परिवार वाले उसमें वैल्यू एडिशन करके वो एक जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर की तरफ दो जनों को और वो नौकरी देने वाला बने। सो ये अगले 5 साल में मैंने ये निशाना रखना है। ऑफकोर्स मंत्रालय की काफी सारी स्कीम्स हैं जो हमने पिछले 2-2.5 सालों से काम करी थी, वर्ल्ड बैंक के साथ एक ग्राम समृद्धि योजना है, एक नई स्कीम है वो बहुत जल्दी लॉन्च होगी जहां 50-60 हजार माइक्रो एंटरप्राइजेस बनाई जाएंगे, एंटरप्रेनर्स बनेंगे, 10 लाख से नीचे कोई 50 हजार का कुछ लगाना है, कुछ 1 लाख का, तो जितना भी 10 लाख तक का आपका मॉडल होगा 1 लाख से 10 लाख तक उसका 50% हम देंगे। सो बिल्कुल छोटे किसानों को टारगेट किया जा रहा है। वैसे 60-70 हजार ऐसे माइक्रो यूनिट्स अगले 1 साल में हम लगाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो एक NBFC का काम रह गया था बैंक का टू फंड द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, उसको भी हमने कम्प्लीट करना है। और नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी मैंने लास्ट सेशन के लास्ट डे पे मैंने इंट्रोड्यूस करी थी, वो पॉलिसी को भी पास करवाना है। सो अब नई उमंग से, नई निशाने से, नई ऊर्जा से अपने नए MOS के साथ हम काम शुरू करेंगे।